हेलो लर्नर्स इस वीडियो में मैं आपको स्टोक्स थ्योरम के वेरिफिकेशन का एक क्वेश्चन बता रही हूँ अगर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग तो टू थ्योरम इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर यानी कि लाइन इंटीग्रल जो होता है डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस से डिनोट किया जाता है स्टेटमेंट है थ्योरम का और इसमें हम अगर इवेलेशन कहा जाता है तो राइट हैंड साइड अकेला सॉल्व कर देते हैं इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर लाइन इंटीग्रल को शो करता है इसलिए केवल लाइन इंटीग्रल पूछा होता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं और वेरिफिकेशन पूछा होता है तो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके रिजल्ट ला के बताते हैं कि वो इक्वल टू आ रहा है अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको तो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह का रेक्टेंगल है ये एक्स वाई एक्सेस बना लिए एक्स इज इक्वल टू प्लस से ये यहाँ कहीं एक्स इज इक्वल टू प्लस से है ये पॉइंट आपका एक ओमा जीरो हो जाएगा इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और वाई इज ईक्वल टू बी ये सारी हमने लाइंस ड्रॉ कर ली एक्स एक्सेस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इस कारण से ये लाइन वाई एज इक्वल टू ज़ीरो की वाई एज इक्वल टू बी की है एक्स इज इक्वल टू ए की है और एक्स एज इक्वल टू माइनस ए की है तो इनसे बाउंडेड जो रीजन बनेगा दैट इज दिस रीजन और ये एक रेक्टेंगल uh, है क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है इस कारण से इस रेक्टेंगल को हम लिख लेते हैं और इसके पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं ये डी ए बी और सी लाइन इंटीग्रल लाइंस के लॉन्ग होता है तो ये बाउंड्री पे आएगा डी ए बी सी या ए बी सी डी जो भी आप लेना चाहेंगे बस लेना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इस तरह से फाइंड कर लेंगे और इनके पॉइंट्स भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू बी है यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए है और y की वैल्यू b है और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस ए है और y की वैल्यू ज़ीरो है तो अकॉर्डिंगली हमने की लेबलिंग कर ली अब इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर मतलब कि एल एच एस फाइंड करना है तो एल एच एस कैन बी रिटर्न एस इंटीग्रल सी की जगह पर हम जो लाइंस फाइंड करेंगे वो लिखेंगे ए बी डी सी अलॉन्ग एफ डॉट डी आर हमें फाइंड करना होगा और इसे हमें वन बाय वन करना पड़ेगा तो प्रोसेस लंबा है अलॉन्ग ए बी जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम देख लेंगे तो अलॉन्ग ए बी अकॉर्डिंग टू फिगर एक्स फिक्स है एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है और अगर x a है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा y वेरी करेगा तो y जीरो से लेके b तक जा रहा है एंड y इज इक्वल टू जीरो टू b अब f डॉट डी आर की जरूरत है हमें तो f वेक्टर ये है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस माइनस में है टू एक्स वाई जे और k की टर्म यहाँ पर नहीं है और डी आर वैक्टर जो है उसे हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वैक्टर के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के ये इसकी वैल्यू होती है जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट आई जे डॉट जे और k डॉट के वाली टर्म्स आएंगी बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगी तो i डॉट आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई टी वाई तो इस तरह से हमें एफ़ डॉट डी आर की वैल्यू मिल गई अब इसे आगे हम यूज़ में लेंगे तो अलॉन्ग ए बी इंटीग्रल ए बी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ से एक्स की वैल्यू ए है और डी एक्स जीरो है डी एक्स वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और एक्स की जगह ए डाल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू ए वाई डी वाई यहाँ पर पूरा टर्म वाई के फॉर्म में आ गया है लिमिट है वाई की ज़ीरो टू बी और इसे सॉल्व कर देंगे तो माइनस टू ए तो कॉन्स्टेंट है वाई स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा और उसमें लिमिट पुट कर देंगे ज़ीरो टू बी तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉइंट टू टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का ए बी स्क्वायर ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे अलोंग लाइन बी सी ए बी हो गया है बी सी के अलोंग देखेंगे तो अब यहाँ से फिगर से बी सी के अलोंग हमारे पास वाई फिक्स है वाई की वैल्यू बी है और एक्स ए से लेके माइनस ए जा रहा है हमें इसकी लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है तो वाई इज इक्वल टू डी एम्प्लायज डी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स विल वेरी फ्रॉम ए टू माइनस ए उल्टा लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा इंटीग्रल डी सी एफ डॉट डी आर अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन से एफ डॉट डी आर की वैल्यू है उसमें डी वाई ज़ीरो हो गया तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो गया वाई की वैल्यू बी यहाँ पर रख देंगे तो हमें इंटीग्रल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू में टी एक्स सारा टर्म एक्स के फॉर्म में आ गया है और एक्स की लिमिट ए से लेके माइनस ए तक ये हम लिख देंगे इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी स्क्वायर एक्स जब हम इसमें लिमिट डालेंगे ए टू माइनस ए तो रिजल्ट आएगा माइनस का ए क्यूब अपॉन थ्री और माइनस ए बी स्क्वायर लोअर लिमिट पर माइनस साइन आता है लोअर लिमिट का माइनस आ जाएगा ए क्यूब अपॉन थ्री और माइनस यहाँ भी आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे माइनस टू ए क्यूब अपॉइंट थ्री दो बार टर्म है और माइनस टू ए बी स्क्वायर तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए हैं माइनस टू ए क्यूब अपॉइंट थ्री और माइनस टू ए बी स्क्वायर इस तरह से हमें सेकेंड लाइन के अलॉन्ग रिजल्ट मिल गया है तीसरा है अलॉन्ग लाइन ए बी बी सी हो गया है तो सी डी सी डी के अलावा अकॉर्डिंग टू फिगर सी डी यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिक्स है माइनस ए और बी से लेकर जीरो तक वाई की वैल्यू वेरी हो रही है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है इट विल एम्प्लाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड बी विल वेरी फ्रॉम वाई विल वेरी फ्रॉम बी टू जीरो इंटीग्रल सी डी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई की लिमिट लिख लेंगे बी टू ज़ीरो और एफ़ डॉट डी आर की वैल्यू देखते हैं कि क्या आ रही 3, है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थ्री यहाँ पर एक्स फिक्स है माइनस है तो एक्स की वैल्यू डी एक्स को ज़ीरो कर देगी और यहाँ पर एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा टू ए वाई डी वाई तो हमारे पास एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ गई टू ए वाई डी वाई और इसको सॉल्व करेंगे तो टू ए कॉन्स्टेंट है वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू और उसमें लिमिट रखेंगे तो पहले लिमिट ज़ीरो हो जाएगी और लोअर लिमिट पर रिजल्ट मिलेगा ये टू कैंसिल हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा बट लोअर लिमिट के कारण माइनस साइन आ जाएगा देन अलोंग टी ए ए के अलोंग वाई फिक्स है क्योंकि ये एक्स एक्सेस है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और एक्स वेरी कर रहा है माइनस ए से प्लस ए तक तो वाई इज इक्वल टू जीरो ए डी वाई इज ऑल्सो जीरो एंड एक्स विल वेरी फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए अब यहाँ पर इंटीग्रल डी एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी इंटीग्रल एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए वैरी करेगी वाई की वैल्यू और डीवाई की वैल्यू जीरो होने से जो एफ डॉट डी है ये थर्ड इक्वेशन में ये टर्म डी वाई की वजह से ज़ीरो हो जाएगी वाई ज़ीरो होने से यहाँ से हमें केवल एक्स स्क्वायर डी मिल जाएगा तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी अब इसमें आप इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं माइनस ए टू ए है तो इस कारण से हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ज़ीरो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स क्योंकि फंक्शन इवन फंक्शन है x में एक्स स्क्वायर में अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x के बराबर ही रहेगा ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि टू टाइम्स जीरो टू ए होकर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाता है या आप सिंपली सॉल्व करें तो सिंपली भी सॉल्व हो जाएगा टू टाइम्स एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा यहाँ से और इसकी वैल्यू जीरो टू यानी टू ए क्यूब बाय थ्री अब हमारे पास चारों पार्ट्स आ चुके हैं तो देयरफॉर इंटीग्रल फॉर सी एफ डॉट डी आर सम ऑफ ऑल दीज पार्ट्स तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये इक्वेशन नंबर टू में वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ए बी स्क्वायर पहला टर्म है तो माइनस ए बी स्क्वायर दूसरे टर्म का वैल्यू है माइनस टू ए क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू ए बी स्क्वायर जो तीसरा है उस उसकी वैल्यू है माइनस ए बी स्क्वायर और चौथे की वैल्यू है टू ए क्यूब बाय थ्री और इनको हम चेक कर लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं और ऐड हो रहा है वो तो ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट मिला है फोर्थ इक्वेशन और ये फाइनली हमारे पास इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू है अगर ए, इंटीग्रल हमसे लाइन इंटीग्रल पूछा होता तो ये आंसर होता नाउ फाइंडिंग राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी तो उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट डी एस यहाँ पर कर्ल एफ और एन कैप की वैल्यू की हमें ज़रूरत है तो कर्ल एफ कहाँ से आता है कर्ल एफ होता है डेल क्रॉस एफ ये मेरे डाइवर्जेंस कल वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं और अदरवाइज ये तो मैं लिख ही रही हूँ स्टोक्स थ्योरम में भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको तो आई डल बाय डल एक्स जे डल बाय डल वाई और के डल बाय डल जेड का जो सम होता है वो डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है और जो एफ है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आई के कंपोनेंट लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है माइनस टू एक्स वाई और k के लिए यहाँ पर नहीं है तो इस कारण से ज़ीरो आ जाएगा अब कर्ल एफ़ निकाल लेंगे तो कर्ल एफ़ की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या आ रही है आई के लिए सॉल्व किया डेल बाय ऑफ जीरो जीरो और यहाँ से डल बाय जेड ऑफ़ टू एक्स वाई ये भी जीरो इस कारण से जीरो माइनस ज़ीरो सेकेंड टर्म नेगेटिव आती है तो माइनस जे डेल बाय डेल एक्स ऑफ जीरो ज़ीरो हो जाएगा और इसी तरह से डेल बाय डेल जेड ऑफ़ दिस टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा फिर तो तीसरे टर्म के, के लिए लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस इट इज माइनस टू वाई और डेल बाय डेल वाई ऑफ दिस टर्म इट इज माइनस टू वाई अगेन क्योंकि तो यहाँ पर टू वाई आएगा और इससे माइनस साइन आ जाएगा तो इस कारण से माइनस फोर वाई के ये रिजल्ट हमें मिला है और माइनस फोर वाई के कर्ल एफ का रिजल्ट है इसके अलावा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक्स वाई प्लेन में है तो हमें चाहिए होता है एंड कैप एंड कैप है आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस अब सरफेस हमें जो गिवन है वो एक्स वाई प्लेन में है और ये यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इस कारण से कैप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है दिया हुआ सरफेस तो जो जेड है जेड एक्सिस वो उसके डायरेक्शन में के वेक्टर होता है तो ये कैप जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू के होगी तो देयरफॉर curl f कर्ल एफ डॉट कैन बी रिटर्न एज माइनस फोर वाई के इंटू के तो इससे मिल जाएगी वैल्यू माइनस फोर वाई अब हम इसको राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं तो नाउ आर एच एस बिकम्स डबल इंटीग्रल कर डॉट एन कैप माइनस फोर वाई और जो डी एस है वो एक्स वाई प्लेन में होने की वजह से लिखा जाएगा डी एस की वैल्यू डी एक्स डी वाई अपॉन एनकेफ डॉट के ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब यहाँ पर एन कैप की वैल्यू के है तो ये के डॉट के हो वन हो जाएगा एन कैफ डॉट के इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वन तो डबल इंटीग्रल माइनस फोर वाई डी एक्स डी वाई यहाँ एक्स वाई प्लेन है तो सीधे हमें लिमिट्स लगानी है और एक्स वाई प्लेन की लिमिट्स जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x की वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए जा रही है और y की वैल्यू ज़ीरो टू पी इसके लिए हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पहले हम किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट लिमिट्स हैं मैं पहले y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो माइनस फोर और वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी ज़ीरो टू पी और x की लिमिट्स एज इट इज़ लिखी रहेंगी और हमारे पास बचेगा dx। जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये टू कैंसिल करेगा फोर को तो आ जाएगा माइनस टू और इससे आ जाएगा बी स्क्वायर तो माइनस टू बी स्क्वायर पूरा कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे कुछ नहीं है कॉन्स्टेंट है डी एक्स तो माइनस टू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए टू इससे आ जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर इन पहले आएगी टर्म ए और फिर दूसरी टर्म माइनस में माइनस ए यानी कि प्लस ए तो इससे मिल जाएगा टू ए तो बन जाएगा माइनस फोर ए बी स्क्वायर और माइनस फोर ए बी स्क्वायर ये काफ़ी जल्दी से रिजल्ट हमें मिल गया है तो अगर केवल थ्योरम के यूज से हमें फाइंड आउट करना होता तो ये रिजल्ट यहीं पे आ गया है चार स्टेप में जबकि ये लाइन इंटीग्रल से करने में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था तो माइनस फोर ए बी स्क्वायर था माइनस फोर ए बी स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है तो फ्रॉम फोर एंड फाइव स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड इस तरह से आप वेरिफिकेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग